नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। महायज्ञ ने किया था बगल यहाँ पर आ जाइए, और विश्व महायज्ञ के दौरान हमें प्रेस सम्मेलन करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मगर मुझे बहुत दुख के साथ ये प्रेस सम्मेलन का करने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि कोई धर्म और धर्म के प्रति कार्य करने वाले कोई भी इंसान कोई गलत करने का सोच नहीं रखता। मैं तो सबसे पहले राम राज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ के आयोजन का निर्णय लेने के बाद 13 फरवरी 2021 को दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आने वाले सभी राम भक्त भाई बहनों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक स्वागत बधाई देता हूँ कि जो इस जल यात्रा में लाखों हमारे राम भक्त भाई बहन लोग सम्मिलित होकर इस रामराज मंदिर धनबाद पूरे झारखंड प्रदेश के सभी राम भक्तों के सामने मैं अपनी बात को रखना चाहेंगे। ये सीधा सीधी हिंदू धर्म के पर चोट है। मेरा आग्रह होगा कि हम कोई भी कानून का उल्लंघन करके कोई भी कार्य को हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम धर्म के प्रति और धर्म को आगे बढ़ाने के प्रति हम ये काम को कर रहे हैं। मेरा कोई मानसिकता नहीं कि हम किसी का विरोध करके, किसी का हम आलोचना करके कोई भी ऐसा गलत काम करें जो हम पर किसी तरह का आरोप लगे, मगर एक महीना पहले हमें सूचना देने के बाद, 15 दिन पहले हम लिखित आवेदन देने के बाद, उन्होंने आज कल करते करते हमें 8 तारीख को शायद आवेदन में हमें परमिशन मिला जो कि इस तरह का गाइडलाइंस में आपको काम करना है। मगर हम तो भाई परमिशन मिला था उसी के आधार पर हम काम कर रहे थे, मगर अगर जिनका श्रद्धा भगवान पे विश्वास हो जाता है वो तो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लाखों लोग जो आज प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था रखने वाले सभी भक्त जल यात्रा में शामिल हुए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपने देखा कि इस कोविड काल में भी चाहे हमारे किसी नेता का देहांत हो जाए, उनके भोज क्रियाक्रम में 50,000 लोग उपस्थित हुए। बहुत ऐसे राजनीतिक मंच में आप लोगों ने देखा कि बिहार का चुनाव में लाखों लाख लोग उपस्थित होकर इस तरह से चुनाव किया कराया गया। झारखंड में भी दो दो उपचुनाव हुए, उसमें भी हजारों हजार लोग जुटान हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। मगर रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस तरह से ग्रहण लगने और लगाने का काम किया, ये भी आप लोगों ने देख रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे कि धर्म के प्रति वार करने वाले वैसे गलत मानसिकता, धर्म के प्रति हिंदुत्व धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले प्रभु श्री राम जी भी उनका विचार करेंगे। हम किसी के प्रति टिप्पणी टपना नहीं करेंगे, इसका तो जवाब प्रभु श्री राम जी ही देंगे। इसलिए मैं जिस प्रकार से आज प्रशासन के चाहे जो भी मजबूरी रहा हो, चाहे किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव रहा हो, या हमारे लोकल क्षेत्र में जो भी राजनीति करने वाले लोग अगर धर्म से घबरा रहे हैं, अगर सच्चाई से भाग रहे हैं, और वैसे लोगों के द्वारा इस तरह से गलत राजनीति करके माननीय झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गलत कन्विंस करके इस तरह से गलत काम करने वाले का विचार भगवान ही करेंगे। हम किसी का नाम, किसी का टिप्पा टिप्पणी, किसी का हम राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, मगर इसका जवाब जरूर प्रभु श्री राम जी देंगे। मेरा कहने सबसे पहले तो मैं कल के जल यात्रा में शामिल होने वाले सभी लाखों राम भक्तों को, सभी भाई बहनों को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं इस रामराज मंदिर कमेटी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो हिंदू धर्म पर बार बार हमला हो रहा है, इस पर सभी हिंदू भक्त, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी भाई बहनों को मेरा आग्रह होगा कि वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। छठ में भी आप लोगों ने देखा कि छठ के प्रति किस तरह से गलत मानसिकता रखकर छठ को बाधित करने का प्रयास किया, उसी प्रकार रामराज मंदिर चिटाही धाम के द्वारा जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया उसमें भी
हिंदू धर्म के प्रति ही चोट है, इसलिए इसका जवाब प्रभु श्री राम जी और राम भक्तों का द्वारा दिया जाएगा। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति राजनीति कर रहे हैं? हम यहाँ पे पूजा में बैठे हुए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो पीछे से बार कर रहा है उसका प्रभु श्री राम जी उनका जवाब देंगे। देख रहे हैं हमारे मन में क्या है, प्रभु राम जी जान रहे हैं। और जो क्या कर रहा है ओपनली तो कोई कर रहा है, जिला प्रशासन को मतलब एक मोहरा बनाकर इस तरह से कर रहा है, ये गलत है। हम जबकि हम इसका परमिशन लिए, इनके मतलब एकदम जिस तरह से बात होना चाहिए, हम बात एक महीना पहले हमारे उपायुक्त महोदय से करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारा प्रक्रिया हो जाएगा, अपने एक आवेदन दे दीजिए। हमने आवेदन दिया, उसके बाद आज कल करके इस तरह से स्थिति किया। तो इस तरह से रात 12 बजे ऑर्डर निकलना किसी चीज का कोई अपराध हो जाए, इस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ हो रहा, कोई अपराध तो हो नहीं रहा है। तो विधायक 12 बजे रात को नोटिफिकेशन निकलना लगभग 12 बजे, 12:15 बजे, तो ये कहाँ का न्याय है? मुख्यमंत्री को किसने, किन लोगों ने मुख्यमंत्री को गलत तरीके से कन्विंस किया है? देखिए हम ये बस सीधा सीधी कहना चाहेंगे कि हिंदू धर्म पर हमला है, ये हिंदू धर्म पर हमला है। हिंदू धर्म मानने वाले सभी भाई बहनों को मेरा आग्रह होगा कि इसे गलत मानसिकता रखने वाले रावण रूपी राक्षस को जवाब हर वक्त देना होगा, अन्यथा धीरे 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 हिंदू धर्म को कमजोर करने का प्रयास होगा। मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, हिंदू धर्म के मानने वाले भक्त और भगवान कभी पीछे हटाने कभी हटेगा, इसका जवाब समय आने पर जरूर देगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ होंगे कि नहीं? डॉक्टर कुमार विश्वास को भी धमकी दी गई है? निश्चित तौर पर सभी कलाकारों का नंबर व्यवस्था करके उनको किसी न किसी रूप से चाहे धमकी समझिए या जो भी सलाह समझिए वो करने का प्रयास कर रहा है, उसको दे रहा है कि आप यहाँ पे आइएगा तो उसके ऊपर मुकदमा होगा। तो हम भी नहीं चाहते हैं कोई अतिथि को हम यहाँ पे एक सम्मान के लिए बुला रहे हैं, यहाँ भजन कीर्तन करने के लिए बुला रहे हैं या राम कथा करने के लिए बुला रहे हैं, उन पर कोई मुकदमा हो, ये हम कभी नहीं चाह सकते। तो फिलहाल ये सब स्थगित ही माना जाए। निश्चित तौर पर जो भी कार्यक्रम को स्थगित जिला प्रशासन किसी के दबाव से करवा रहा है, जिला प्रशासन अपने मन से अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, ये भी हम भी जान रहे हैं, प्रभु श्री राम जी भी जान रहे हैं और क्षेत्र के सभी राम भक्तों के द्वारा भी इनको जानकारी हो चुकी है। इसलिए मैं किसी जिला प्रशासन को मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर ये मैं जानता जरूर हूँ कि प्रभु श्री राम जी वैसे गलत मानसिकता रखने वाले, धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति रखने वाले, प्रभु श्री राम जी के प्रति रखने वाले वैसे लोगों को जवाब प्रभु श्री राम जी समय आने पर जरूर देंगे। यज्ञ में राजनीति होना कितना सही मानते हैं? देखिए ये तो अब बोले तो हम कि प्रभु श्री राम जी ही इसका जवाब देंगे, और जो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं हमारे माए बहन लोग पूरे धनबाद के पूरे झारखंड प्रदेश के वैसे लोगों की गलत मानसिकता को समझ चुका है। मेला पर भी असर पड़ेगा क्या? नहीं देखिए मेला ये नहीं है, ये जग का ये जो पूजा पाठ का सामान बिक रहा है, पूजा पाठ का ये कार्यक्रम हो रहा है, कोई मेला हम लोगों ने बुलाया नहीं है, मेला स्वतः आ गया ये जग में, तो हम किसी को रोक नहीं सकते, अगर प्रशासन उसको भी चाहे तो हटा सकता, हमको कोई आपत्ति नहीं। भक्ति और भाव राम भक्तों में अगर हो गया है, अगर जग चुका है, तो उसको कोई कम नहीं कर सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता है। आपने जिस प्रकार से पूर्व बीते वर्ष भी आपने देखा कि जैसे ही जग समाप्त हुआ, उस तरह से एक आतंकवादी उग्रवादी के साथ नहीं होता है, उस तरह से हमने श्री राम महायज्ञ का आयोजन करने के बाद किस तरह से हमारे प्रति गलत मानसिकता रखने का काम किया, वो हमारे प्रति नहीं हिंदू धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने का परिणाम है कि हम पर झूठा मुकदमा करके भी गलत केस करवाकर किस तरह से धर्म का प्रचार जिस प्रकार से हो रहा था इस विष्णु महायज्ञ में और श्री राम महायज्ञ में, उसको दबाने का प्रयास किया, मगर सच और धर्म को कोई आज तक दबाया है ना दबा पाया, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आज आप देखें कि जिस समय कोविड काल में, कोविड का चरम सीमा पर था, उस समय बिहार का चुनाव हुआ, झारखंड का उपचुनाव हुआ, एक नेता के श्राद्ध भोज हुए, आपने देखा, मगर आज कोविड का ग्राफ गिर चुका है और हम लोगों ने कोविड का नियम को पालन करते हुए हम लोगों ने इस विष्णु या महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इसलिए और दूसरी बात है कि प्रशासन जिस प्रकार से आज चाहे राजनीतिक दबाव हो या कोई दबाव हो, हम प्रशासन का दोष प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, मगर जिस तरह से कलाकार जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए हमारे जो भी बीच में कलाकार लोग आ रहे थे, उनका नंबर खोजना, उनको लोगों के बीच में बोलना कि हम उसको बोलेंगे वो यहाँ नहीं आवे, मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस विष्णु महायज्ञ में इतना धर्म और सच्चाई के प्रति हम काम कर रहे हैं और कोई अतिथि हमारे यहाँ आवे और किसी का परेशानी हो, हम कभी नहीं चाह सकते। हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धर्म के लिए कर रहे हैं, मगर हम किसी को हमारे चलते किसी को कष्ट पहुंचे ये भी हम कभी सोच नहीं सकते हैं, न कभी हम इस तरह का कोई कार्य करेंगे कि किसी के हमारे चलते किसी को परेशानी हो। इसलिए मैं जो भी
कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम के प्रति रोक लगाया, उसको हम आज उसको निरस्त करते हैं। और जो भी प्रवचन और हमारे शंकराचार्य जी आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि इस धर्म के प्रति पार करने वाले व्यक्तित्व को समाज के सामने, धर्म और धर्मात्मा के सामने, प्रभु श्री राम जी के सेवक के सेवकों के सामने ये आना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। और निश्चित तौर पर हर युग में कोई धर्म के प्रति आगे बढ़ा है तो रावण रूपी राक्षस भी जन्म लिया है, और उसका निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी जिस तरह से वध किया है उसी तरह से यहाँ पे भी गलत मानसिकता रखने वाले समाज और धर्म और हिंदू धर्म के प्रति रखने वाले हिंदू धर्म के लोग आने वाला समय निश्चित तौर पर इसे गलत मानसिकता के लोगों को जवाब जरूर देगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। बताए जी, यज्ञ में विघ्न डालने वाले को राक्षस नहीं तो और क्या कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, 2020 मैच हुआ, बंगाल चुनाव हो रहा है, इसमें कहीं किसी प्रकार का रोक नहीं है। आखिर ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना करने के लिए। हमारे माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी आज से नहीं, ये तृतीय वर्ष है यज्ञ का, और धार्मिक पूर्वक यज्ञ कर रहे हैं, इसमें भी विघ्न डालने वाले। ये तो मालिश सुबाहू वाली बात हो गई कि यज्ञ कर रहे हैं उसमें विघ्न डालने की बात हो रही है यहाँ। और ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, राजा रामचंद्र जी उन्हें कभी सुखी नहीं रहने देंगे। और यह यज्ञ हम लोग कर रहे हैं, कोई और नहीं कि मतलब इसमें कोई अराजक तत्व आ रहा है और यहाँ से हम लोग फुहड़ गाने का यज्ञ है। यज्ञ होना चाहिए, यज्ञम विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यज्ञ जो है ये संसार का नाभि केंद्र मात्र है। यजनम इंद्रादि देवानाम पूजनम सत्कारणम भावनम महायज्ञ। यज्ञ में पूजा दान और संगतिकरण होता है, और क्या कर रहे हैं हम लोग। और शासन आकर के देखे कि हम यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको राजनीतिक तत्वों से जोड़ना और ह्यूमर फैलाने का काम करना ये सरासर गलत है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। नाम आप बताइए बाबा। मनोहर पांडे नाम है हमारा। कहाँ से? अयोध्या। ये गलत है, ये विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम है, और धार्मिक कार्य अर्जन नहीं डालना चाहिए, और धार्मिक कार्य को करते रहना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, उसमें कुछ नहीं डालना, कभी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जितना बनता है सबको बता दिए, इस तरह से